हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हमारी रहने वाली है, आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या कुछ सोचते हैं आपको लेकर के, उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं, उनके दिल में क्या चलता है रात को सोने से पहले आपके बारे में। ठीक है, तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, सो आप लोग समझ गए हो टॉपिक। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर के बहुत अच्छे तरीके से ये रीडिंग पे फोकस करो। ठीक है, मैं जो यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, सो उसमें आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस नहीं रहा तो फिर आप जो है ना, आपसे चीज़ें रेजोनेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप फोकस करते रहो। ठीक, चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपके लिए मतलब रात में सोने से पहले सोचते हैं। ओके, अपने पार्टनर को याद कर लो। और हाँ, बता दो कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको याद रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो कि मेरा दिल टूट रहा है, तकलीफ हो रही है मुझे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलो ये है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्रेसलेट की बुकिंग भी लगातार चल रही है, सो आप इस ब्रेसलेट की भी बुकिंग लगातार कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेसलेट की बुकिंग आप की हो रही है, ये लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट दे रही हूँ। और ये आपके करियर के लिए, आपके स्टडी के लिए, स्टडी फोकस नहीं है आपका। ठीक है, ये चार्ज किया हुआ ब्रेसलेट है जो कि मैं भी टच नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मैंने चार्ज करके रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब कि जिनके लिए बुक हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो आप भी जो है ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को शुरुआत करते हैं रीडिंग का। मैं कैंडल जला रही हूं, आपको अपने पार्टनर को याद कर लेना है। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी उनको किसाए मैं आके जिन मिलाऊं। सो चलो आंखें खोल लो और अपने पार्टनर पे फोकस करो। ओके, सो जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिएगा उनके लिए, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं रात को सोने से पहले। आप बिंदी लगाते हो क्या? मुझे यहाँ बिंदी दिख रही है कुछ, कि आप जब बिंदी लगाते हो तो और भी खूबसूरत लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो बिंदी। और स्पेशली वो सूट हो, है ना, सलवार एंड कमीज, सलवार सूट बोलते हैं ना, सलवार सूट हो, कुर्ती हो, और उस पर वो छोटी सी बिंदी बहुत खूबसूरत लगती है आपके चेहरे पे। ठीक है, और जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनके लिए, उनके आपके जो पार्टनर हैं, आपको टी शर्ट में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जी। और आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो रोज रात को सोने से पहले वो आपकी पिक को देखना कभी नहीं भूलते। आपकी पिक कहीं उन्होंने फ्रेम करवा के रखवाई होगी, या अपने मोबाइल में वॉलपेपर, व्हाट्सएप पे वॉलपेपर, है ना, लगवाया होगा। सो उसको देखना। और आपने भी कहीं हद तक लगाया ही होगा वॉलपेपर अपने पार्टनर पिक का, तो वो मुझे आपके पार्टनर देख करके सोते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सोने से पहले उनका वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, उनका वो पिक्स वगैरह देखना और फिर उस एहसास को, जब भी वो जिस भी वक्त का वो पिक है ना, उस वक्त का वो एहसास और उस वक्त की वो याद, है ना,
आपके पार्टनर को याद आती है। ओके सो ये दिखता है। ओके ठीक है, आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपको आई लव यू बोलते हैं जब भी आपकी पिक्स देखते हैं, और रात को स्पेशली जो है वो बोल के सोते हैं, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, हालांकि आपकी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, ये अलग ही बात है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आपके पार्टनर से, ठीक है, रोज सपनों में मुलाकात होती है, और आपके पार्टनर जो है रोज रात को सोने से पहले ये भी सोचते हैं कि ये हंसी वादी या ये खुला आसमां कुछ ऐसा हो। मुझे लगता है कि आपको बर्फ वाली जगह ज़्यादा पसंद है ना, शिमला है ना, यहाँ पे शिमला हो गया, यहाँ जाने का मुझे कुछ, कश्मीर जाने का कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ बर्फ के साथ खेलने का कुछ प्लान था आप लोगों का, वो मुझे आपके पार्टनर जो है ना याद करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे गए होंगे, वहाँ की कुछ पिक्स हैं, तो वो पिक्स और वो यादें जो हैं आपके पार्टनर उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कश्मीर का वो रेड रेड सेव है ना, एप्पल, वो दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों को खाना पसंद होगा एप्पल। और ये भी दिखता है जैसे कि झील में नाव में सैर करना, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि है, ठीक है, झील में, नदी में, कहीं नाव का मुझे नजर आ रहा है कि हाँ आप लोगों का टाइम स्पेंड हुआ है, और उस चीज के बारे में जो है आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यादों के झरोखों से ये पर्सन गुजरते हुए दिख रहे हैं, और दिख रहा है कि देखो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फील करते हैं जैसे कि ये आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चेन टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप दोनों का रिलेशन में बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस, एक से बढ़कर एक चैलेंजेस आते गए हैं, और आप दोनों ने इसको काफ़ी जो है बहुत हिम्मत के साथ इसको कहीं हद तक जो है सॉल्व करने की कोशिश भी की है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे दूरियाँ आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के दिल में हो, अभी भी हो, और आपके पार्टनर आपको रोज रात को सोने से पहले बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये पर्सन ये भी सोचते हुए देखते रहे हैं कि काश आज अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो एक दूसरे की बाहों में होते, और वो सुकून की नींद है ना ले रहे होते, और आपके पार्टनर रोज रात को इनको ये भी होता है जैसे कि इंटीमेट होने का, इनका आपके तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन का मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि ये पर्सन सेक्सुअल भी काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं रात को सोने से पहले, है ना, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ, है ना, नहीं ऐसा नहीं है, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई है तो अब आपके साथ जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप तो चाहते हैं ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ये दिखता है, और काफ़ी अपने आप को इन्होंने एकदम से सिक्योर करके रखा है, अपने आप को बांध करके रखा है, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके सो रात को सोने से पहले आपके आपके पिक्स वगैरह को तो मैंने कहा है कि हाँ पिक्स वगैरह जो है ना ये पर्सन आपको आपकी देख करके सोते हैं, और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन कहीं हद तक
आपको जो है ना किसी और के साथ देख करके इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके आई थिंक आपने कोई पिक डाली है किसी के साथ या अकेले ही पिक डाला है, लेकिन उसमें कुछ शायरी वगैरह कुछ तो लगाया है ऐसा जो कि आपके पार्टनर को देख करके वो थोड़ा सा जो हो रहा है इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि हाँ यार क्या कुछ इसकी लाइफ में है ना कुछ कोई और तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहीं हद तक आपके पार्टनर एक शक की निगाह से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन ऐसे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं देगा, ठीक है, जो होगा वो मुझे बता देगा, ठीक। तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। और पायल पहनते हो आप, मुझे लगता है कि आप या फिर आपके पार्टनर पायल पहनते हैं, तो वो जो है ना पायल की छनकार वो याद आती है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और कल तो तीज भी था, तो बहुत सारे लोगों ने तीज किया था, है ना। तो आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे थे या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेल पर्सन है वो लोग भी फास्ट रखते हैं अपनी बीएफ के लिए, सॉरी जीएफ के लिए और अपनी वाइफ के लिए। सो ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि कुछ फास्ट रखते हुए और मनोकामना मांगते हुए यहाँ पे आज गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत सारे लोग बप्पा से भी बहुत दुआएं मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ बप्पा हम दोनों का जो है ना कनेक्शन बना दो, है ना। और दिख रहा है कि हाँ बहुत सारे लोग बप्पा के भक्त भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो कि मुझे नजर आ रहे हैं। बप्पा को बहुत मानते हो आप लोग और आप जानते हो कि हाँ बप्पा आपकी हेल्प करेंगे, तो आप भी मुझे नजर आ रहा है कि आप भी जो है ना उनसे यही प्रार्थना कर रहे हो कि हाँ बप्पा हम दोनों का रियूनियन जल्दी हो जाए, हम दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये है। और आज की रात स्पेशली आज की रात तो बप्पा की पूजा ही हुई है ना, तो आज की रात तो इन्होंने मांगी ही है, मांगी ही है ना, यानी कि जो दुआएं हैं जो प्रार्थनाएं हैं वो करते हुए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। रात को सोने से पहले ये पर्सन कहते हैं ना सीने से तेरे सर को लगा के, है ना, तो वो मुझे नजर आ रहा है आपका कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं हद तक पिक्स वगैरह का मैंने कहा कि है आपकी, तो वो पर्सन अपने सीने पर रख करके सोते हैं, बहुत मिस करते हैं ये आपको। देखो अब आप लोग कहो कि अगर इतना ज़्यादा मिस करता है तो कॉल क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता। हर किसी की लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका हम समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है, हमें छोड़ना पड़ता है। समाधान ढूंढ तो सकते हैं लेकिन हमें छोड़ना पड़ता है वहीं पे। तो वही है कि आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे सैक्रिफाइसेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है अभी फिलहाल कि आपके पार्टनर रात को सोने से पहले ये सोच रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी हेल्प ले रहे हैं, फ्रेंड से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं ये पर्सन, किसी फ्रेंड की, जो भी वो फ्रेंड मुझे नहीं पता कौन है क्या है, बट किसी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी से इनकी जान पहचान है, ठीक है, बातें हुई हैं, तो उससे भी ये पर्सन बातें करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके रीडिंग में, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे यही बता रही है मुझे, ठीक है, ठीक है, ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं अब क्या इनिशियल्स मुझे नजर आ रहे हैं इसमें और क्या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, कुछ ये भी देख लेते हैं। ये पर्सन सॉन्ग भी सुनते हुए दिख रहे हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ मैं नहीं, ये मुझे नजर आ रहा है।
ये पर्सन ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है मेरा, मैं बहुत उदास रहता हूँ, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। शायद ज़िंदगी अभी 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 भी जो है पूरी नहीं हुई है, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं जो हमने साथ देखे थे, तो वो सपनों को भी मुझे पूरा करना है अगर तुम साथ दो। अगर तुम साथ हो, है ना, तो वो है कि अगर तुम साथ हो तो हर प्रॉब्लम को हम देख लेंगे। प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखता है मुझे। और यहाँ पे इनिशियल्स में देखूँ तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 5 नंबर, ठीक है। नंबर में देखूँ तो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, एक तो दिख रहा है यहाँ पे, 7 नंबर मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और देखते हैं, यहाँ पे एस में बनता हुआ देख रही हूँ लेटर में। एस है, डी है, पी है, यहाँ पे, और मेरे पास क्यू भी है, यहाँ दिख रहा है, एच भी है, के भी है, और नंबर 1 भी है, और नंबर 3 दिख रहा है, आई थिंक मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि साइकिल किसी को पसंद है, साइकिल है ना, तो वो मुझे नजर आ रहा है। और ओ है, ठीक है, आर है, टी है, एन है, बी है, डब्लू है, यहाँ पे मुझे इतने चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं ये सारे। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।